नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल मास्टर माइंड टेक में। दोस्तों, ये रेनॉल्ट की डस्टर गाड़ी है और इसमें क्या चार पांच दिन से इस टैंक में अभी डीजल आधे टैंक लगभग होगा, लेकिन ये जो लो फ्यूल का जो इंडिकेटर है ये दिखा रहा है और जो डीजल का इंडिकेटर होता है, जो हमारा फ्यूल इंडिकेटर होता है, वो बिल्कुल एम्प्टी दिखा रहा है। तो इस सिचुएशन में हमें सबसे पहले टैंक यूनिट चेक करना पड़ता है। तो इस गाड़ी का हम अभी टैंक यूनिट चेक करेंगे और इसके बाद हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम असल में है कहाँ। सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हमारे बहुत सी कार में जो पैसेंजर सीट होती है उसके नीचे ही फ्यूल टैंक का यूनिट होता है, उसके नीचे ही टैंक होती है और इस तरह की कैप होती है। जो हमारी सीट है ये दोनों तरफ से उठाने पर इजीली आ जाती है, तो सीट हमने उठा कर ले ली है। अभी ये फ्यूल टैंक इस तरह खींचने पर आ जाता है और ये देखोगे तो ये फ्यूल टैंक यूनिट की जो वायर होती है ये शायद चूहों ने काट दी है, इसके कारण जो हमारा फ्यूल गेज था वो दिखा नहीं रहा था फ्यूल मीटर। तो हम इसे अभी जॉइन करने वाले हैं। तो ये जो कनेक्टर है ये मैं निकाल के लेता हूँ, इसमें क्या है इजीली हम इसे जॉइन कर सकेंगे। ये देखो, ये हमें अभी जैसा कलर कोड है उस हिसाब से हमें लगा के लेनी। ये देखो, ये एक जो वायर है ये वाइट और रेड है, एक वाइट और ब्लैक है, तो दोनों वायर सेम सेम कलर कोड से हमें इधर जॉइन करके लेनी है। ये मैं अभी ज्वाइन करके लेता हूँ और अभी देखते हैं हमारा जो फ्यूल गेज था वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये दोनों वायर हमने अच्छी तरह लगा के ले लिया एक दूसरे को और उसके ऊपर टेपिंग किया है। ये टेप हमने ये ट्रांसपेरेंट लगानी है, लेकिन इस तरह लगानी नहीं चाहिए, मैं जो वायर की टेप आती है वो लगानी चाहिए। अभी क्या मिली नहीं इसलिए मैंने ये लगा दी, तो इमरजेंसी में ये लगाते हो तो चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो अभी ये हम फिट कर देते हैं और अभी हमारा फ्यूल मीटर है ये काम करता है या नहीं है करता है ये देखते हैं। तो ये मैंने लगा दिया, अब जाते हैं मीटर की ओर। तो अभी हम चाबी ऑन करके देखते हैं अभी जो हमारा फ्यूल गेज था वो दिखाता है या नहीं दिखाता है। ये देखो, और ये देखो, ये फ्यूल गेज है ये अभी दिखा रहा है और ये लो फ्यूल का इंडिकेटर था वो भी चला गया है। तो आप कहोगे इतना सा छोटा सा प्रॉब्लम था, इसके लिए वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन यही प्रॉब्लम बहुत सी बार हमें क्या खोलना है ये समझ में नहीं आता। ये जब भी प्रॉब्लम आ जाता है ना तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्या खोले। इसके लिए हम कभी कभी मीटर खोल देते हैं, उसमें फॉल्ट नहीं मिलता, वायरिंग चेक करते उसमें फॉल्ट नहीं होता है। लेकिन जो मेन फॉल्ट है वो बहुत सी बार टैंक यूनिट में ही होता है। तो सबसे पहले हमें टैंक यूनिट खोलना चाहिए था, ये प्रॉब्लम होता है। कभी कभी टैंक यूनिट भी ख़राब हो जाता है। फ्यूचर में मैं वीडियो भी बनाऊंगा कि टैंक यूनिट कैसे चेक करें और टैंक यूनिट अगर ख़राब है तो रिपेयर कैसे करें, और जो चूहे के कारण ये हुआ था। और अगर आपने जो हमारा चूहों से बचने का जो उपाय है सबसे अच्छा उपाय है, मतलब चूहे जो हमारे गाड़ी का वायरिंग वगैरह काट देते हैं, उस सब्जेक्ट के ऊपर भी हमने वीडियो बनाए, नोटिफिकेशन आया होगा ऊपर, वो भी आप वीडियो देख सकते हो। वो सबसे अच्छा रास्ता है चूहे से बचने का। लेकिन ये तो क्या, ये छोटी सी वायर काट दी चूहे ने, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में वायर काट देता है तो वायरिंग हमें पूरा रिप्लेस करना पड़ता है। वो वीडियो देखिए, वो सबसे अच्छा रास्ता है चूहे से बचने का। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो में आपके लिए बनाता रहूँगा और इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। ये वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।